नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। मदेशी दल सब मंगने जाकर प्रदेशक सीमांकन के फेरबदल नहीं है, प्रधानमंत्री ओली के कहब। अपन जवान से गोली चलल एसएसबी के इंचार्ज कलक स्वीकार। नेपाली भूमि में प्रवेश कर गोली नहीं चलने, भारतीय दूतावास खंडन। नेपाल में पैस का दादागिरी नहीं देखा, भारत सरकार के नेपाल दलक चेतावनी। भारतीय नाकाबंदी के विरोध में पैप्सन एंड पैप्सन स्कूल विद्यार्थी सबके सड़क पर उतारत। आ नाकाबंदी के विरोध में काठमांडू में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पुतला जराल गेल, भारतीय राजदूत के नेपाल छोड़ देलक चेतावनी। अ पैलेस ऑफ जेम्स, सिल्वर, डायमंड, गोल्ड, एक्सपोर्ट इन ऑर्नामेंट मेकिंग, गुड कस्टमर केयर, राशि रत्न, अर्जुन ज्वेलर्स, न्यू रोड, काठमांडू। फोन नंबर 01422-3789, 01422-3903। 2016 साल में सबैभन्दा बढी डीबी पार्न सफल कान्तिपुर डिजिटल कलर ल्याब एंड फ्लेक्स प्रिंट। 2017 साल को डीबी फर्म भरी आफ्नो सीट आज सुरक्षित गर्नुहोस्। साथै कान्तिपुर फ्लेक्स प्रिंट पनि, जहाँ फ्लेक्स प्रिंटिंग, कफी मग प्रिंटिंग, फाइबर आईडी कार्ड प्रिंटिंग, टी शर्ट प्रिंटिंग जस्ता धेरै सुविधाहरू। कान्तिपुर डिजिटल कलर ल्याब एंड फ्लेक्स प्रिंट, मेन रोड बर्दीबास, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को तल। Hey, how are you? तेरो बाहिर जाने कुरा के भो? कलेज छानिस? जादिन यार, can't afford. Mom, dad बाहिर पठाउनै खोज्नुहुन्न? इन्टरनेसनल डिग्री त सपना मात्रै होला जस्तो छ। मेरो कलेज जोइन गर्न त, नेपालमै ब्रिटिश डिग्री एट अफोर्डेबल कस्ट। Really? Yeah, college with 10% credit transfer opportunity. ISMT offers British degrees, BBA, BSc IT, BHM and BTTM. ISMT, Pinkune, Kathmandu, Nepal. Visit us at ismt.edu.np. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मधेशवादी दल सब मंगने जाका प्रदेश के सीमांकन फेरबदल कर नहीं सका बतौलन। प्रधानमंत्री ओली बुध दिन बेरिया में सिंहदरबार में मोहन वैद्य नेतृत्व नेकपा माओवादी के 6 बूंदे ज्ञापन पत्र बुझक के क्रम में पहाड़ आ तराई के जिला अलग कह तराई में दूटा प्रदेश बनाव के मांग कोनो हालात में पूरा नहीं कर सका बतौलन। ओ मधेश के जनता पहाड़ आ तराई के जिला के अलग कह प्रदेश बनाव के मांग नहीं केने कहत, किछ नेता अपन स्वार्थ पूरा कर लेल जनता के भड़का कर वही आधार में सरकार के भड़कने कारण सरकार नहीं झुकत बतौलन। ओ प्रदेश के सीमांकन जटिल भेला से इस विषय में विज्ञ सबके अध्ययन क देला के बाद निर्णय केला पर सबके हित हैत बतौलन। प्रधानमंत्री ओली विज्ञ सब से अध्ययन कराव के बदला किछ नेता सब बैस कर अखने निर्णय कर पड़त कह कर कहनाई अपने बुझ नहीं सकल बतौलन। चिजका लागि यो प्रदेश यसरी बन्नु ठिक छ भनेर अध्ययनमा आधारित हुनु एउटा कुरा हो, अध्ययनमा आधारित होइन, अध्ययन गर्न पाइँदैन मेरो भनाइअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ म बुझ्दिनँ। अलिकति जनताका लागि गर्ने कि आफ्ना आफ्ना निम्ति गर्ने, तसर्थ म कुनै आवेश उत्तेजना आग्रह केहीमा छैन। प्रधानमंत्री ओली मधेशवादी दल के आंदोलन के कारण देखाकर भारत नाकाबंदी के केनाई, नेपाल के पारवहन अधिकार ऊपर के ठाड़े हस्तक्षेप रहल कहत, भारत के सामने में कोन हालत में नहीं झुका बतौलन। ओ भारत के सामने में नेपाल कोनो समस्या खड़ा नहीं केने आ खड़ा कर के मनसा सेहो नहीं रखला से बिना अपराध सिर नहीं झुकाय बतौलन। नेकपा माओवादी प्रधानमंत्री ओली संग मधेशवादी दल संग वार्ता कर आंदोलन के संबोधन कर तथा भारत के नाकाबंदी के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय मंच सब में जोरदार रूप में आवाज उठा मांग कल। माओवादी के अध्यक्ष मोहन वैद्य भारत पार वहन संबंधी समझौता उल्लंघन कला से नेपाल आ भारत संघ के सब समझौता खारिज कर पड़त बतौलन। पीटीए पीडीए बिपा लगायतका यी सन्धि सम्झौताहरू
सन् 1955 लगायतका हामीले मान राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो बारेमा पनि के हो भनेदेखि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस् र यी असमान प्रकारका सन्धि सम्बन्धताहरू खारेज गरिदिन्छ साथ हामी दृढतापूर्वक साथ दिन्छौँ। माओवादी प्रधानमन्त्री ओलीकी बुझाउने ज्ञापन पत्रमा भारत संघकी निर्भरता अन्त्य कक काज आगो बढाव कालाबजारी नियन्त्रण कक आपूर्ति सहज बनाव तथा कालाबजारीमा संलग्न उपर कारवाही गरके माग कयल गेल छ। सुनसरीकै भण्डाबारीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी गोली चलला, चार नेपाली घायल भेल। सुनसरीकै भण्डाबारीमा भारतीय सीमा सुरक्षा फौज एसएसबी गोली चलला, स्थानीय चार गोटे नेपाली गोली लागेर घायल भेल छ। हरिपुर गाविस सातमै परावाला भण्डावारी पूर्व दश गजा क्षेत्रमै एसएसबी भिर्स 6:30 बजे गोली चलाउने छल। एसएसबीकै गोली लागेका हरिपुरकै अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव आ सरोज यादव रहल सुरक्षा स्रोत जनलकै छ। अशोककै दहिना छातीमै गोली लागल छ, नरेशकै बम्मा डाँडमै गोली लागल छ। गोली लागेका घायल भेल सबकै इलाजक लेल जिल्ला अस्पताल इनर्वा आ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाओल गेल छ। घटनाकै पुष्टि गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्त मल लाभगिल कमी करियर वाला संग विवाद भेलाके बाद एसएसपी गोली चलाउने छल। गोली स्थानीयवासी के लागल छ। घटना के थप अनुसन्धान जारी रहल प्रहरी परीक्षक संजय राज शर्मा बतलन। सुनसरी के भंटाबारी में बुध दिन भिनसर अपन जवान सबसे गोली चलल। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के सतना पोस्ट के इंचार्ज रणवीर सिंह स्वीकार कलन छ। ओ सुनसरी प्रहरी प्रमुख संजय राज शर्मा के टेलीफोन कक घटना में अपन जवान सब फायर भेल स्वीकार कलन छ। भारतक सुपौल जिला के भीमनगर बाजार से स्थानीय साइकिल पर रासायनिक मल लक आब रहा समय में 10 गजा में रहल एसएसपी रोकला के बाद विवाद भेल छल। विवाद बढ़त गला के बाद स्थानीय के लक्ष्य कक एसएसपी नेपाली नेपाल क्षेत्र भीतर में गोली चलाने छल। स्थानीय के अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल क्षेत्र भीतर प्रवेश कक गोली प्रहार कने बताने अच्छे। एसएसबी के इंचार्ज रणवीर सिंह अपन जवान सबक गोली चलाबक गलती भेल स्वीकार कक छानबीन का कार्रवाई सेहो करब बताने नेपाल प्रहरी के एसपी संजय राज शर्मा सिंह के उद्धृत करैत बतौलने छ। घटना के प्रकृति देखला पर सेहो एसएसबी नेपाली क्षेत्र भीतर प्रवेश केने देखल गेल सुरक्षा स्रोत दावी केने अछि। एसएसबी के गोली लागेका घायल भेल सबके इलाज धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में सघन उपचार कक्ष में इलाज भ रहल छ। घायल हरिपुर सात के अशोक यादव के छाती के दहिना भाग में गोली लागल छ। हुनक अवस्था चिंताजनक रहल पुलिस जनौलकै छ। दोसर घायल नरेश यादव के बम्मा डार में गोली लागल छ। तहिना घायल सरोज यादव के दहिना जांघ में गोली लागल छ। मनोज यादव इनर्वा अस्पताल में इलाज करा कर घर घुरल छ। घटना के विषय में थप अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलकै छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास सुनसरी में भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी नेपाली भूमि में प्रवेश कक गोली नै चलाउने दाबी कलकै छ। बुध दिन भिनसर 6:30 बजे दिस समय में एसएसबी सुनसरी स्थित नेपाली भूमि में आइकर गोली चलाला स चार गोटे नेपाली घायल भेल छलत। मुदा भारतीय दूतावास बुध दिन विज्ञप्ति जारी कक घटना में नेपाली नागरिक घायल नै भेल सेहो दाबी कलकै छ। दूतावास कहने अछि एसएसबी के गश्ती टोली तस्कर सबके एकटा समूह सुनसरी जिला पार करैत काल भारतीय क्षेत्र में भेटल छल। ओकरा सबके पकड़ाव कर चाह के बाद एसएसपी ऊपर आक्रमण केने आ एक सुरक्षाकर्मी घायल भेल दूतावास बतौलक। दूतावास कहने जे ई घटना भारतीय भूमि में भेल आ किछ नेपाली घायल भेल ई बात स्पष्ट नहीं अछि। भारतीय दूतावास अपन विज्ञप्ति में एसएसपी नेपाल भारत सीमा में सुरक्षा कायम राखत सेहो बतौलक। व्यवस्थापिका संसदीय राज्य व्यवस्था समिति भारतीय सीमा सुरक्षा बल नेपाल भूमि में प्रवेश कक नेपाली ऊपर गोली चलला में गंभीर आपत्ति जनौलक। समिति के बुद्धिन सिंह दरबार में बैसल बैसार से गृहमंत्री शक्ति बस्नेत संघ के छलफल के बाद भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमि में प्रवेश कक नेपाली ऊपर गोली चलनाई राष्ट्रीयता ऊपर के प्रहार रहल कहित आपत्ति जनौलक। समिति नेपाली भूमि में प्रवेश कक एहन प्रकार के गतिविधि नहीं कर भारत सरकार के चेतावनी सेहो देलक। भारतीय सीमा सुरक्षा बल बुध दिन भिनसर सुनसरी के हरिपुर सात में 10 गजा क्षेत्र से 100 मीटर नेपाल दिस भीतर आबिक साइकिल में रासायनिक मल लक आबि रहल चार गोटे कृषक ऊपर गोली प्रहार केने छल। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के गोली प्रहार से चारू कृषक घायल भेल छ। नेपाली भूमि में प्रवेश कक दादागिरी नहीं देखाव चेतावनी देने समिति अघोषित नाकाबंदी फिर्ता लक नेपाल के पारवहन अधिकार के सम्मान कर भारत सरकार से आग्रह सेहो केलक। हरिपुर
साल पूर्व स्थित नेपाल भारत 10,000 क्षेत्रभन्दा 100 मिटर नेपालतर्फ साइकलमा रासायनिक मल ल्याउँदै गरेका किसानमाथि भारतीय एसएसबी बलबाट गोली चलाइँदा नेपाली नागरिक घाइते बनेको प्रति समिति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्छ र उत्तेजना बढाउने यस्ता गतिविधि रोकेर भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउने अधिकार जुन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताले सृजना गरेका छन् त्यसलाई सम्मान गरी आपूर्ति व्यवस्थापनमा गरिएको अवरोध अन्त गर्न नेपाल सरकार मार्फत भारत सरकारसँग आग्रह गर्दछ। समिति संविधान से शांतिपूर्ण आंदोलन कर पाव के अधिकार सुरक्षित केला आंदोलनकारी ऊपर बल प्रयोग कर नहीं देव गृह मंत्रालय के निर्देशन दिलक सुरक्षाकर्मी सबके संयमित होब निर्देशन देने समिति आंदोलनकारी सबके आंदोलन रोक वार्ता मार्फत समस्या के समाधान खोज आह्वान कलक समिति नाकाबन्दी के बाद कालाबजारी आ तस्करी बढ़ल तथा आम जनता के जनजीवन कष्टकर बनल कहित कालाबजारी नियंत्रण कर गृह मंत्रालय के निर्देशन दिलक बैसार में समिति सदस्य सब भारतीय राजदूत रंजित के पिछला अभिव्यक्ति सबके लक आपत्ति जनौने नेकपा एमालेक सांसद यज्ञराज सुनवार आ गौरी कुमारी ओली तथा नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल भारतीय राजदूत रे कूटनीतिक मर्यादा बिसरिक मधेसी मोर्चा के प्रवक्ता जैना अभिव्यक्ति देने कहित स्पष्टीकरण पूछ के मांग कैलन नेपाली कांग्रेसक मधेसक जिला सब प्रतिनिधित्व करवाला सांसद सब मधेस आंदोलन के व्यवस्था केने कहित सरकार के आलोचना कैलक सांसद रामकृष्ण यादव आ अमरेश कुमार सिंह मधेसवादी दल राजनीतिक मांग राख आंदोलन केने एक से दिन बीतो सरकार आंदोलन के उपेक्षा केने कहित आपत्ति जनौलन ओ सब मधेसवादी दल के मांग संविधान संशोधन संग संबंधित भेला से संविधान संशोधन संबंधी विधेयक आगू बढ़ावा आ आंदोलनकारी सब संग वार्ता कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन निजी तथा आवासीय विद्यालय सब भारत के नाकाबंदी सहजोगरक नहीं भेल कहित नाकाबंदी के विरोध में स्कूली विद्यार्थी सबके सड़क में उतार वाला निजी तथा आवासीय विद्यालय सबके संगठन प्याप्सन आ एन प्याप्सन बुद्धिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कक भारत के नाकाबंदी के कारण विद्यार्थी के पढ़ पाव के अधिकार हनन भेला से अघन 11 गते विद्यार्थी सबके सड़क में उतार लागल जानकारी दिलक प्याप्सन के अध्यक्ष लक्ष्य बहादुर केसी स्कूली विद्यार्थी सबके सहभागिता में चक्रपथ के 27 किलोमीटर लंबा सड़क में विद्यार्थी के जंजीर निर्माण कैल जात बतौलन ओ नाकाबंदी के कारण ईंधन के अभाव भेला के बाद निर्बाध रूप में पढ़ पाव के संचालन कर सक के अवस्था नहीं रहला से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान आकर्षण कर विद्यार्थी सबके सड़क में उतार कर जंजीर प्रदर्शन कर लागल बतौलन हामी बाल साङ्लो निर्माण गरेर पढ्न पाउने अधिकार खास गरिकन बाँच्न देऊ र पढ्न देऊ नेपाल झुक्दैन स्वाधीनता बिक्दैन सडक सङ्कट पार्न पाइँदैन नाकाबन्दी चाहिँदैन विद्यालय शान्ति क्षेत्र यसको चाहिँ रक्षा गरौँ स्वाभिमानी नेपाली तराई पहाड हिमाली बन्द हडताल धेरै भयो पढ्ने दिन कम भयो बाल अधिकारको रक्षा गरौँ बाल अधिकारको सुरक्षित गरौँ स्वाभिमान बेच्दैनौँ कसैसँग झुक्दैनौँ भविष्यका कर्णधार हाम्रो अधिकार ग्यारेन्टी गर चेतनशील समाज राष्ट्र निर्माण हाम्रो अभियान हाम्रो भविष्य अन्धकार पार्न पाइँदैन स्वाभिमान राजनेता सङ्कटबाट पाठ सिक हामी सबै नेपाली राष्ट्रियता बिउ रोपौँ इन्स्योर द चाइल्ड राइट रेस्पेक्ट द ह्युमन राइट स्टप द ब्लकेट इम्प्लिमेन्ट द स्कुल एज अ जोन अफ पिस भन्ने विभिन्न नाराका सहित बच्चाहरूले प्ले कार्ड लिएर विद्यार्थीहरूले प्ले कार्ड लिएर यो पहिलो पटक लाग्छ मलाई यो मानव साङ्लो अथवा बाल साङ्लो चाहिँ हामीले बनाएर सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई बाल अधिकार हनन भएको विषयमा मानव अधिकारको चाहिँ एउटा हनन भएको अवस्थामा बारेमा जानकार गराउन यहाँहरूलाई हामी यहाँ दुःख दिएका छौँ। 71 लाख विद्यार्थी प्याप्सन बेरबेर ध्यान आकर्षण करेब तो भारत नाकाबंदी अंत्य कर के संकेत नहीं देखला के बाद विभिन्न संघ संस्था सब संग मिलकर नाकाबंदी के विरोध में विद्यार्थी सबके प्रदर्शन में उतार के निर्णय केने जनौलक विद्यार्थी सबके चक्रपथ घेर के जंजीर में सहभागी होब विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन आ शिक्षक के पेशागत संस्था आ अभिभावक सब से सहयोग करत जन सरकार घोषणा केने विप्लव माओवादी बृहस्पति दिन नेपालमै हिन्दी चलचित्र आ हिन्दी टेलिभिजन च्यानल बन्द कराबके घोषणा कैलक
भारतीय नाकाबंदी के विरोध स्वरूप हिंदी चैनल आ चलचित्र में रोक लगाव लागल विप्लव माओवादी के नेता सब बतौलक विप्लव माओवादी के नेता कार्यकर्ता सब चलचित्र हॉल आ केवल संचालक सबके हिंदी चलचित्र तथा चैनल सब प्रसारण बंद कराव दबाव दैत आयल अन्यथा अपन तरीका से बंद कराव वो सब चेतावनी दिलक सरकार तराई मधेश में भर रहा आंदोलन के लक्षित कह विशेष सुरक्षा योजना लागू कने आब राजमार्ग सब में कोनो अवरोध कर नहीं देव गृह मंत्रालय जनौलक राजमार्ग सब सुचारू कर आ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कर नया एकीकृत सुरक्षा योजना लागू कने गृह प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद ढकाल बतौलन ओ कहलन नेपाली सेना नई नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी आ राष्ट्रीय अनुसंधान की टोली खटाब केन्द्रीय सुरक्षा समिति मंगल दिन लागू होब जहन विशेष सुरक्षा योजना लागू कने गृह मंत्रालय जनौलक योजना में आंदोलन बढ़ल तराई मधेश के प्रशासन सप्तरी तथा नवलपरासी से बांके धरि जिला सब में लागू हैत सुरक्षा संवेदनशीलता के आधार में जिला सब के तीन समूह में वर्गीकरण कने जाय अनुसार जनशक्ति परिचालन हैत गृह प्रवक्ता ढकाल के अनुसार विशेष सुरक्षा योजना लागू भेल जिला सब में प्रमुख जिला अधिकारी के संयोजकता में रहल जिला सुरक्षा समिति आवश्यक निर्णय क सुरक्षाकर्मी परिचालन करत गृह मंत्रालय राजमार्ग सब कोनो हालत में अवरुद्ध होब नहीं देने बतौलन राजमार्ग सब सुचारू करवाक आ सरकारी कार्यालय सबके सुरक्षा के लिए ई सुरक्षा योजना लागू कने प्रवक्ता ढकाल कहलन आब राजमार्ग अवरुद्ध कर नहीं पाओत करत बल प्रयोग क हटाब डायन भक्ता सब सहित लागल मिथिलांचल क्षेत्रक एक चर्चित भूत मेला के अवसर में बुध दिन लाखों लाख भक्त सन कमला नदी में स्नान का पूजा अर्चना कलक सिरा आ धनसा तहिना धनसा आ भारतक बिहार जयनगर के सीमा के रूप में अवस्थित कमला नदी में भिनसर 3 बजे से स्नान करे वाला भक्तजन सबक भीड़ लागल छल नदी के दुनू कात में भक्तजन के भीड़ लागल छल बितलाहा वर्ष सबसे एहि वर्ष भक्तजन के संख्या में अत्यधिक वृद्धि भेल भेला में सहभागी महंत हितराम शरण बतौलन महंत हितराम के अनुसार एहि वर्ष लगभग 15 लाख से बेसी श्रद्धालु भक्तजन कमला के स्नान कर पूजा अर्चना कलक प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन कमला में लागल भूत मेला में हाई हुई करत भूत खेलात डायन भक्ता सब ओत पहुंचे कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान कला के बाद डायन भक्ता सब संग रहल भूत के सिद्धि हवा के जन विश्वास स्नान करे के लिए कमला नदी में पहुंचल धनसा रघुनाथपुर 6 के प्रमोद पासवान वर्ष में एक बेर कमला में स्नान कला से भूत के शक्ति में ह्रास अला से प्रत्येक वर्ष ओत स्नान के लिए पहुंचे बतौलन अ क्षेत्र के स्थानीय सब विभिन्न प्रयोजन से ममता कने खसी छागर सेहो आज के दिन शुभ मानिक बलि कमला स्नान कला से भूत के आक्रमण से बच सक के जनविश्वास रही आला से मेला में व्यापक जनसहभागिता रहित आयल मेला में धनसा महतरी सिरहा सलाही सप्तरी सहित भारत बिहार के जयनगर मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी ठाम से भक्तजन सबक ओत पहुंचित दू दिन पहिने से भक्तजन सब ओत पहुंचल आ वो सब कमला के कात में रहल बालू में प्लास्टिक के झुपड़ी बनाकर रहित नदी नजदीक के गाम पठरवा के स्थानीय वासी सब बतबैत कमला के कात में रहने वाला सब में से अधिकांश यात्री सब अपने भोजन बनाकर खेने सहजे देखे में अबैत कमला नदी के कात में से सिरहा के बंदीपुर धनसा के मरेवा ढोलबज्जा चिकना आदि में बड़का मेला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सब से होइत बुध दिन भिनसरे से जनकपुरक विभिन्न पोखर सागर तथा तालाब सब में कार्तिक स्नान करे वाला सबक विशेष भीड़ भाड़ देखल गेल जनकपुरक गंगा सागर धनुष सागर अर्घचा पोखर गोरधई पोखर लगायत की पोखर तथा तालाब सब में कार्तिक स्नान करे वाला सबक भीड़ लागल छल कार्तिक स्नान करे वाला सब कार्तिक महीना के शुरुए से कार्तिक स्नान कर शुरू केने श्रद्धालु सब बुद्धिन कमला गंगा कोसी लगायत जलाशय सब में जाकर स्नान कर संपन्न केने श्रद्धालु सब अपन अपन सखा संतान की सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आ रोग कष्ट मुक्ति मिलवा के संगे अपन मनोकामना पूरा होबाक धार्मिक विश्वास रहल बतौलन कार्तिक नहेला से पैठ होइ छै कि जे गोसाई अपना घर के निकुष्ट के बाल बच्चा के निक हैत कल्याण हैत घर वाला के निक हैत धन पुत बराबर हैत वही सब के लिए पूर्णिमा में स्नान लोग करे छै शांति मिले छै धर्म होइ छै पूजा पाठ धर्म गंगा सागर में जाकर के स्नान करे लोग सिमरिया घाट में जाकर स्नान करे ई महीना से कैला से सब महीना में जब स्नान करे से वही से अधिक फल है और ई महीना स्नान कोनो प्रकार के पाप कष्ट तहिना श्रद्धालु सब स्नान कर राजदेवी मंदिर राम मंदिर जानकी मंदिर शिव मंदिर लगायत के विभिन्न शक्ति पीठ सब में
भक्तिभावपूर्वक पूजाआजा कयने अछि। धनसाक लक्ष्मीनियामे दूटा मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकरेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि, अन्य दू गोटे गंभीर घायल भेल जनाओल गेल अछि। अत्यधिक गति में रहल J7P3589 के पल्सर मोटरसाइकिल J4P2784 नंबर के होंडा साइन के ठक्कर देला से साइन में सवार सपी एक रनियार देवनारायण साह के मृत्यु भेल पुलिस जनौलक। पल्सर में सवार दू गोटे गंभीर घायल भेल अछि। घायल होय वाला में दीपेश मंडल आ शिव बहादुर मंडल रहल अछि। गंभीर घायल दुनू गोटे के जनकपुर में इलाज संभव नहीं भेला के बाद दरभंगा रेफर कयल गेल जनकपुर अंचल अस्पताल जनौलक। रोहतक के लम्हा जंगल में बुध के भिनसर में बस दुर्घटना भेला से 26 गोटे घायल भेल। उदयपुर से काठमांडू के लिए खुजल NA5K2236 नंबर के बस पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत रोहतक चंदपुर एक लम्हा जंगल में भिनसर 5 बजे उंटल। दुर्घटना में उदयपुर के 10 के सरू राय, रीता राय आ उदयपुर 2 के रश्मि नेपाली गंभीर घायल भेल। घायल सब गोटे के रोहतक के चंद्रनिगापुर में इलाज भर रहल। रोहतक के प्रहरी प्रवक्ता DSP राजेंद्र पोखरेल के अनुसार बस के चालक फरार है। धुन लागल समय में बस तीव्र गति में जा रहा के कारण दुर्घटना भेल होब सकबाक पुलिसक अनुमान है। भाई बहन के अमर प्रेम के प्रतीक सामा चकेवा पावन मिथिलांचल में बुध दिन संपन्न भेलै। खरना से कार्तिक पूर्णिमा धरि मनाओल जाय वाला सामा चकेवा पावन के अपने महत्व रहलै छ। एक रिपोर्ट। सामा चकेवा लोक नाट्यक एकटा रूप अछि। पात्र आ चकेबा पुरुष पात्र चिरई के रूप में मिथिलांचलक लोक जीवन संग मिलत जुलत ई पावन अति पुरान मानल जाय छ। पद्म पुराण में एकर चर्चा कयल गेल छ। स्कंद पुराण में अई के विषय में विस्तार में लिखल गेल छ। ओहि अनुसार सामा के पिता कृष्ण छलैत आ पति के नाम चारु बक्र छल। कोनो चुगला सामा के संबंध कोनो पर पुरुष संग अछि कह कऽ पिता कृष्ण के चुगली लगौने छल, जाय कारण कृष्ण क्रुद्ध भ बेटी के श्राप द्वारा चिरै बना देलन। चारु बक्र से हो पत्नीय संगे रह चिरै के रूप में बना देब वरदान मंगलन। बाद में सामाक भाई चकेबा घोर तपस्या क कऽ अपन बहिन आ बहनोई के मनुष्य रूप में घुराब सफल भेल छला। भाई के जीवन सफल होक, जीवन में कोनो प्रकार के कष्ट पीरा समस्या नहीं अबौक कामना करैत सामा चकेबा खेलल जाय छ कहब मैथिल सभा कह छ। बहिन के पबनी है तै के लागी सब दिन से सदियों से चल आयल है तो ई परब है जेना राखी बंधन तेहने इहो भाई बहन के पबनी है तो वही के लागी खेली है सब आदमी। सामा चकेबा के कथा में आयल पात्र सब के नीक जका विचार कयल जाय तो ओई से एकटा मैथिल परिवार के सजीव चित्र प्रस्तुत कयल देखा में अबैत अछि। मनोरंजनक संगै परंपरागत मान्यताक पालना आ सुदृढ़ीकरण करैत खेलल जाय वाला सामा चकेबा पावन बहिन आ भाई के बीच में प्रगाढ़ प्रेम प्रदर्शित करे वाला रक्षाबंधन भाई टीका भातृ द्वितीया जका निरंतर चलत रहत विश्वास कयल जा सकै छ। बहिन सब कार्तिक पूर्णिमाक दिन भाई के फार भरैत अछि। जकरा परंपरा से भाई के दीर्घायुक प्रतीक मानल गेल संत महंत सभक कहब अछि। सब खेलै छी सभा भाई बहिन के पबनी है तो पूर्णिमा दिन 10 दिन खेल के पूर्णिमा दिन चकेबा फोड़तै भाई भाई के जे मंजूरी होतै से राम दहेज देतै बहिन के बस समा जा के खेत में फसा दे। मधेश में निरंतर 3 महीना से जारी आंदोलन सा महतरी शरलाही सिरहा सप्तौरी सुनसरी आ मोरंग सहितक जिला सब में विशेष रूप से मनाओल जायत अछि। सरलाही में राजमार्ग अवरोध कर पहुंचल संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के नेता कार्यकर्ता के राजमार्ग अवरोध कार्यक्रम में सूर्य भावर राष्ट्रीय एकता पार्टी के लठै सब भांडलक। पुलिस मुख दर्शक बन के संगे किछ हद धरि सूर्य भावर पार्टी के कार्यकर्ता सब के सेहो संग सेहो देलक। मधेश में जारी आंदोलन निरंतरता पाबि रहल आ शांतिपूर्ण आंदोलन में पुलिसक हस्तक्षेप करब अशोभनीय बनला के बाद राजनीतिक कार्यक्रम के राजनीतिक दलक लठैत सभक आड़ में भाड़ा के योजना बनाओल गेल सर्वसाधारण के उपराग रहल।
जना कुरक सर्वसाधारण से पूछने चली मोर्चा के शांतिपूर्ण अवरोध कार्यक्रम में पुलिस के अक्षयते कोनो पार्टी विशेष के नामे कार्यकर्ता परिचालन का भाड़ा के काज के कुन रूप में ले छी अहाँ के बात जहिना के तहिना पथराव जे कोई करी है जो सैनिक जो पुलिस पर करी है तो पुलिस पर वहीना नहीं करी है ना पुलिस दावन शोषण जनता पर करी है ना तब न करिए निहत्था जनता जो वहीना जे रह है जे खार भ के अहाँ के अधिकार के लिए अपना लड़ी है हमारे अधिकार की है वो बुझ चुकल है ते लखे यहाँ के एक बढ़नी से झाड़ू से पत्थर से रोड़ा से अहाँ के पहाड़ पर जाके एकदम चीन के बॉर्डर पर जाके छोड़ दिया वो सब जो करवा रहा है व्यवस्थित तो वो कितना घटना करवा देते हमसे गोली खा के भी ये बंदी रखबे करबे बंदी ज्यादा तक मतलब हमसे मांग पूरा नहीं करते मधेसी के तब तक ये बंदी नहीं खुले वाला है सबके जन मधेसी या पहाड़ी के लायक नहीं हमारे सबको सरकार से अपन हक के लिए मात्र जैसे हम सब आंदोलन कर रहे हैं उसे पथराव कर दिए हम सब कहे के हिम्मत है हमारे हमारे सबको मारे के हिम्मत है तब गोलियां चला रही प्रशासन से लाके हमारे जैसे जनता तक भी पहाड़ी सब है जो हमारे सबके साथ नहीं रखे वो सब आरो हमारा सब आंदोलन के दबाव चाहे रहे हक है आंदोलन करे के शांतिपूर्ण आंदोलन करे के वही में उसब एना कलकिया जनता के ऊपर सब दमन कल किया एना एक सबके नहीं करे के चाहिए अनेरा सोवी के कार्यकर्ता सब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला जरल अकै सुनसरी के भंडाबारी में भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी नेपाली भूमि में प्रवेश कर चार गोटे नेपाली पर गोली प्रहार के ने विरोध में आ नाकाबंदी के ने विरोध में अनेरा सोवी के उपाध्यक्ष दीपक गौतम के नेतृत्व में मोदी के पुतला जरा गया पुतला जराव के क्रम में भेल प्रहरी हस्तक्षेप में अखिल के उपाध्यक्ष दीपक गौतम सचिव अब्दुल हुसैन खान अनुशासन आयोग के अध्यक्ष जीवन राय सुदेश पराजुली यशु लामा महेश श्रेष्ठ सहित सब उपस्थित छल ओसा भारतीय राजदूत रंजीत रे के नेपाल छोड़ के चेतावनी सेहो देने आई अखिल के उपाध्यक्ष गौतम एको बूंद खून रह देर भारतीय के दादागिरी विरुद्ध लड़ित रह घोषणा कलक प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी कैंपस में पुतला जरला के बाद शुरू भेल जुलूस पुतली सड़क परिक्रमा सेहो केने छल पुतला जराब के क्रम में पुलिस मूक दर्शक बनकर देखे छल अनुशासन आयोग के अध्यक्ष जीवन राय के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला जराव शुरू केला के बाद पुलिस पुतला जरला के बाद पुलिस हस्तक्षेप के अनुसार व्याक्रम में उपाध्यक्ष गौतम सहित अपने आ अन्य किछ आधा दर्जन कार्यकर्ता सब घायल भेल दावी केलक सचिवालय सदस्य सुरेश पराजुली राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन करित काल प्रहरी दमन भेनाई अनेक आशंका उपजौने बतौलन अनेरा सोवी पुतला जरला के बाद जुलूस सेहो निकालने छल अर्थ मंत्रालय मंगल दिन जारी केने श्वेत पत्र जनता के थप निराश बनावक के जेहन रहल कहित विज्ञ सब आलोचना कलक सरकार श्वेत पत्र में अखन के असहज परिस्थिति में देश आ जनता भोग रहल समस्या देखौने हो तो ऐसा व्यवस्थापन करे वाला ठोस योजना नहीं अन्य विज्ञ सब के आरोप रहल जनता के तत्काल राहत के महसूस होब जका योजना तथा कार्यक्रम आन नहीं सकल कहित सरकार के क्षमता ऊपर विज्ञ सब प्रश्न उठौलक मंगल दिन अर्थमंत्री विष्णु पौड़ेल श्वेत पत्र जारी कर देश के विद्यमान अवस्था आ सरकार के भावी रणनीति सार्वजनिक केने छलथ नेपालक लेल भारतीय राजदूत रंजीत रे नेपाल के अखन के संकटपूर्ण स्थिति जल्दी समाधान हैत ताइ में भारत विश्वस्त रहल बतौलने गुरु नानक के जन्म जयंती के अवसर में गुरु नानक सत्संग बुद्ध दिन ललितपुर में केने कार्यक्रम में भारतीय राजदूत रे आब वाला दिन सब में अखन से बेसी निक हैत आ वही के लिए भारत प्रयास कर रहा बतौलन ओ पड़ोसी के नाता से नेपाल में संकट उत्पन्न भेला से भारत खुशी भक बैस नहीं सकत से बतौलन भारत का प्रयास है कि जो भी कठिनाइयां हैं इनका समाधान निकले चाहे वो अंदरूनी इश्यूज हो नेपाल में या भारत नेपाल संबंध से जुड़े हुए इश्यूज हो और पूरा हमें विश्वास है कि इनका समाधान निकलेगा शीघ्र निकलेगा और आने वाले दिन जो होंगे बीते हुए दिनों से बेहतर होंगे भारतीय राजदूत रे सीमा क्षेत्र में मधेशवादी दल सब के अवरोध के कारण भारत जोखिम लक ईंधन के टैंकर पठाव नहीं सकल कहते अवरोध हटत आयात सामान्य अवस्था में घूरत बतौलन ओ मधेश के जिला में 3 महीना से लंबा समय से जारी आंदोलन अंत्यक लेल
सरकार लचक रूप में वार्ता में बैसा परत सेहो बतलन। नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा सहित मधेश में आंदोलनरत पक्ष सबसे कैल जा रहा राजमार्ग अवरोध के कार्यक्रम में समर्थन जनौलक। नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर के टोली बुद्धिन ढलके पर पहुंचकर आंदोलन में समर्थन जनबत राजमार्ग क्षेत्र में होत आयल धरना तथा अवरोध के कार्यक्रम के निरंतरता देव सुझाव दिलक। जनकपुर से बार एसोसिएशन जनकपुर अगुवाई में 3 दर्जन से बेसी कानून व्यवसायी सब ढलके पर पहुंचकर राजमार्ग अवरोध के कार्यक्रम में समर्थन जनौलक। और इन मधेशी आंदोलन के समर्थन में मधेश के मांग जितना जल्दी हो पूरा करे के लिए नेपाल सरकार पर दबाव देवे के लिए हम सब राजमार्ग ढलके बर में जाए और मधेश आंदोलन के समर्थन करी और यही सरकार के विरुद्ध में नारा लगाई से कह करके एक मत से निर्णय कला के बाद हम सब यहाँ उपस्थित भेल छी। वही कारण से हम सब यहाँ आयल छी। कानून व्यवसायी सब जनकपुर से विभिन्न बैनर सहित मोटरसाइकिल रैली के आयोजना कर ढलके भर धरि पहुंचल छल। ढलकेवर चौक पर संपन्न कोन सभा में कानून व्यवसायी लोकन संविधान में मधेशक मांग बमोजिम के संबोधन नहीं होब देर आंदोलन के निरंतरता देव जनौलन। जे आंदोलन छे ओ आंदोलन के हम हमरा सबके तरफ से हमरा सबके संस्थागत निर्णय के आधार पर ई समर्थन कर रहल छिए कि समर्थन स्वरूप हम सब उपस्थित भेलिए। ई आंदोलन अधिकार प्राप्ति समाप्त न हुंजेल तक तहिया तक हमरा सबके आंदोलन में समर्थन रहत। समर्थन के लागे आवश्यकता अनुसार अहाँ सब जे हिसाब से खोजब ते हिसाब से हम सब उपस्थित छी। हम सब अहाँ सबके साथ में छी, अहाँ सब अकेले नहीं छी। आब जनकपुर में नहीं हम अहाँ सब एहिठाम से रैली निकालू, बाहर से रैली निकाल कर ढलके बर तक चलू और ढलके बर में जाकर संबोधन करूँ। ओहिठाम के जनता के कम से कम उत्साह बढ़ते, हौसला बढ़ते जे कम से कम कालो कोर्ट में एक कानून व्यवसायी सब सेहो आंदोलन के जे समर्थन में आई। राजमार्ग क्षेत्र अंतर्गत धनुषाक ढलके बर में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा मातृका संयोजक रहल संयुक्त आंदोलन परिचालन समिति नवीन यादव संयोजकत्व के मधेश क्रांति संघर्ष समिति सहित आधा दर्जन बैनर सब राजमार्ग अवरोध करैत आयल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ईंधन कालाबाजारी में संलग्न व्यक्ति आ संस्था केन्द्रित अनुसंधान भ रहल बतौलक अछि। संगे ओ आयल निगम से विभिन्न कागज पत्र मंगौने अछि। नेपाल में ईंधन आयात तथा वितरण में सरकारी स्वामित्व के आयल निगम के एकाधिकार अछि। भारत नाकाबंदी के कारण देशभर ईंधन अभाव भ रहल समय में आयल निगम के वितरण प्रणाली पारदर्शी होब नहीं सकल अछि। निगम के अधिकारी सब कालाबाजारी में संलग्न रहल आरोप लगौलक अछि। अख्तियार आयल निगम संग आपूर्ति आ वितरण सहित के विभिन्न कागज पत्र मांग कर अनुसंधान कर रहल प्रवक्ता कृष्ण हरि पुष्कर बतौलन। आयल निगम के केंद्रीय अधिकारी से डिपो आ प्रमुख जिला अधिकारी धर के अख्तियार दुरुपयोग कर तेल आ गैस के कालाबाजारी केने उपराग व्यापक सुन में आयल। ताहि कारण से हम सब अमे संलग्न सब पक्ष के विषय में अनुसंधान शुरू केने छी, पुष्कर कहलन। अख्तियार आयल निगम के डिपो के अधिकारी आ प्रमुख जिला अधिकारी सब के गतिविधि से शंकास्पद देखल गेल बतौलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बीच भेटवार्ता भेल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में भेल भेट में मधेशी मोर्चा संघक वार्ता आ सहमति प्रयास के विषय में परामर्श भेल अछि। प्रचंड सहितक ए माओवादी नेता सब मंगल दिन मधेशी मोर्चा के नेता सब संग आकस्मिक वार्ता केने छल। व्यवस्थापिका संसद के सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार समिति नाकाबंदी के कारण दवाई ईंधन के लगायत के अभाव भ मानवीय संकट उत्पन्न भेल कहित कथित नाकाबंदी के तत्काल अंत्य कर भारत सरकार संग आग्रह केने अछि। समिति बुद्धिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गणेश मान पुन के बजा कर छलफल कर ईंधन के अभाव के असर संपूर्ण क्षेत्र में पड़ल कहित नेपाल के गंभीर अवस्था प्रति संवेदनशील भ कर नाकाबंदी फिरता लेब भारत सरकार से आग्रह करके निर्णय केने अछि। सरकार कूटनीतिज्ञ पहल केने रहितो परिणाम नहीं देखने कारण नाकाबंदी फिरता लक जनजीवन सामान्य बनाबे के लेल समिति परराष्ट्र मंत्रालय मार्फत भारत सरकार के आग्रह करे के निर्णय केने अछि। बैसार में समिति के सदस्य सब के ईंधन के अभाव के कारण देखाकर व्यापारी सब कर रहा कालाबाजारी नियंत्रण में साइक नहीं देने कहे सरकार के आलोचना कलन। ओ सब खाना पकावे वाला गैस पेट्रोल डीजल से खाद्य सामान सब में बेसी कालाबाजारी भ रहा तथा सार्वजनिक यातायात में से उपभोक्ता सबके ठगी कर रहा कहित इस विषय में जानकारी भक से नियंत्रण के प्रभावकारी कदम नहीं उठाने कहित सरकार के आलोचना केने अछि। ओ सब प्रभावकारी अनुगमन कर कालाबाजारी में संलग्न पर कार्रवाई कर आ आंदोलनरत मधेशवादी दल सब संगे वार्ता कर समस्या के निकास ताक सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन।
संसद सब कालाबाजारी के विषय के जोरदार रूप में उठौला के बाद वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गणेश मान पुन ईंधन आ उपभोग्य वस्तु में कालाबाजारी करे वाला सबके से कार्रवाई के दायरा में आने के प्रतिबद्धता जनौलन। वो कालाबाजारी में संलग्न सबक पहचान कर कार्रवाई के सिफारिश के लिए छानबीन समिति गठन कैला से समिति के अपने सब संगे भेल सूचना देवस सांसद सब संगे आग्रह से हो कलन। वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री पूर्ण मांग के तुलना में एकदम नगण्य मात्रा में ईंधन आबि रहल कहत सीमित परिमाण के ईंधन समानुपातिक रूप में वितरण के व्यवस्था मिला बतौलन। जनकपुर के कतवनिया कुट्टी में श्री रामचरित्र मानस नवापाठ महोत्सव भ रहा है। कतवनिया कुट्टी के 54वां चतुर्मास वार्षिकोत्सव समारोह के अवसर में महोत्सव आयोजन केने कुट्टी के महंत श्री सूर्य नारायण दास जानकारी दिलन। महोत्सव यागन 4 गते से शुरू भेल आ 16 से 48 घंटा राम नाम अखंड जप 20 गते से 28 गते तक रामकथा वाचन करे के कार्यक्रम रहा है। कथा कतवनिया कुटी के स्थापना स्वर्गीय महात्मा रामशरण दास वैष्णव केने छलत। ओ 128 वर्ष के आयु में स्वर्गीय भेल दास बतौलन। नेपाल वार एसोसिएशन इकाई महोत्तरी केन्द्रीय वार प्रहरी दमन में सेहो कुन हस्तक्षेप नहीं केने कहे तो आवे वाला 25 गते नेपाल बार एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय में हो वाला निर्वाचन में भाग नहीं लेव के निर्णय प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक कर कह इकाई अध्यक्ष विजय ठाकुर द्वारा हस्ताक्षरित वही विज्ञप्ति में मधेश आंदोलन तथा मधेश के मांग सबके संबोधन आंदोलन में सरकार पक्ष द्वारा मानवाधिकार के घोर उल्लंघन कर निहत्था जनताओं पर माथ आ छाती में गोली मार के त्रास के वातावरण सृजना कर जहन क्रियाकलाप के संबंध में नेपाल बार एसोसिएशन केंद्रीय कार्यालय से कोनो प्रकार के विरोध चाख या कोनो पहल नहीं क्या कर मौन धारण केने प्रति चुप लाइक बैसला से वही के विरोध स्वरूप निर्वाचन में भाग नहीं लेव के उल्लेख किया गया। भूकंप के बाद जोखिम न्यूनीकरण के विषय में छलफल के लिए काठमांडू में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू भेल। नेपाल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर नेपाल रिमोट सेंसिंग एंड फोटोग्रामेट्रिक सोसाइटी नापी विभाग आ भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केंद्र के आयोजना में बुधदिन काठमांडू में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू भेल। कार्यशाला के उप प्रधानमंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री कमल थापा उद्घाटन कलन। भू उपयोग योजना जोखिम युक्त क्षेत्र के पहचान नापी सेवा में दक्ष जनशक्ति के प्रवेश जोखिम न्यूनीकरण में भौगोलिक सूचना प्रवाधार के भूमिका लगायत के विषय में कार्यशाला में छलफल हैत। उप प्रधानमंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री कमल थापा नेपाल किछ महीना से पहिने मात्र दलकी के बड़का मानवीय तथा भौतिक क्षति भोग पड़ल संदर्भ में भविष्य में क्षति रोक अवलंबन करे वाला उपाय सबके पहचान के लिए कार्यशाला एकदम फलदायी हैत बतौलन। नेपाल भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जापान चीन कोरिया मलेशिया सिंगापुर फ्रांस बेलायत अमेरिका लगायत के 21 देश के 300 से बेसी नापी विज्ञ अनुसंधानकर्ता विद्यार्थी आ व्यवसायी सब सहभागी कार्यशाला 3 दिन धरि चलत। कार्यशाला में दलकी के प्रकोप के बाद प्रभावित क्षेत्र के वासी सबके फिर से स्थापना संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव संग आदान प्रदान करे के कार्यक्रम रहल। भ्रष्टाचार के ठहर करते सांसद सेहो रहल एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा के फीफा 10 वर्ष प्रतिबंध लगौला के बाद राप्रपा नेपालक बैसार में हुनक राजीनामा मांगल गेल। राप्रपा नेपाल के राष्ट्रीय परिषद के बैसार मंगल दिन सम्पन्न भेल मुदा राप्रपा नेपाल आई विषय में किछु नहीं बजने अछि। श्रोता के अनुसार राष्ट्रीय परिषद में पदम ठाकुर ठकुरी सहित के किछु नेता थापा बारे प्रश्न उठबे त राजीनामा मांगने छल। नेता ठाकुरी के थापा के संसद में कायमे रखला पर पार्टी के हित नैहा चेतावनी देने छल। आंदोलन के बीच जनकपुरक थापा चौक स्थित एक हॉस्पिटल के उद्घाटन भेल। 25 बेड के रहल समर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बुधदिन उद्घाटन कैल गेल। जनरल सर्जन एवं लेप्रोस्केपी सर्जन डॉक्टर सुजीत यादव आ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण यादव के अध्यक्षता में खुलल हॉस्पिटल में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा के व्यवस्था है। तहिना जनरल सर्जरी फिजिशियन बाल रोग आंखा रोग मानसिक रोग स्त्री तथा प्रसूति रोग के सेहो सेवा रहल। सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट दैनिक ओपीडी सेवा रहल। हॉस्पिटल में आधुनिक स्तर के पैथोलॉजी लैब चर्म नाक घाटी के इलाज सेवा से हो रहा है।
मंगल दिन लहान में एक बस में अज्ञात समूह आगजनी के विराटनगर से सीधा माडर रूट के रहल ना 5K 84-7 नंबर के बस में अज्ञात समूह आग लगने आई। सगरमाथा अंचल बस व्यवसाय के अध्यक्ष हरिनारायण यादवक बस में उनके घर आगू पार्किंग राखल गेल समय में आगजनी भेल। अध्यक्ष यादव राष्ट्रीय यातायात संघ के सदस्य से छत। आग उग्र भेला के बाद स्थानीय नगर प्रहरी आ बारूण यंत्र के सहायता से मिझाओल गेल छल। आगजनी से बस के बेसी क्षति नहीं भेल अध्यक्ष यादव बतौलन। आगजनी भेला के बाद बुद्धिन व्यवसाय संघ आ सीडीओ बीच अल्पकालीन बैसार भेल छल। सरकार एनआरएन अध्यक्ष शेख घले अभिनेता राजेश हमाल आ क्रिकेटर पारस खड़का के लैंगिक हिंसा विरुद्ध के सद्भाव दूत नियुक्त करक अछि। बुधदिन शुरू भेल लैंगिक हिंसा विरुद्धक 16 दिना अभियान के अवसर में महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मंत्रालय 3 गोटे व्यक्ति के सद्भाव दूत घोषित कलक अछि। सद्भाव दूत सब आगामी 2 वर्ष धरि समाज में लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण के लेल जन चेतना जगावा विभिन्न कार्यक्रम में सहभागी जनावत। महिला हिंसा विरुद्ध पुरुष के सेहो सहकार्य अनिवार्य भेला से ख्याति प्राप्त 3 पुरुष के सद्भाव दूत घोषणा कैल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। दक्षिण भारतक तमिलनाडु में मंगल दिन फिर से मूसलाधार पानी पड़ल। तमिलनाडु में मूसलाधार वर्षा भेला से अखन धरि 169 गोटे के मृत्यु भेल। बीतल किछ दशक में इस साल के उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में भारी वर्षा भेल। वर्षा के कारण तमिलनाडु के जनजीवन अस्त व्यस्त भेल। सोमवार मंगल दिन मूसलाधार वर्षा भेला के कारण से चेन्नई के मुख्य सड़क के अतिरिक्त बाकी कतेको सड़क पर पानी बह लगला से सड़क नहर जका बन गेल। वर्षा के कारण तमिलनाडु में 8,400 करोड़ रुपया से बेसी संपत्ति के नुकसान भेल बीबीसी उल्लेख कयने अछि। एम्हर मुख्यमंत्री जयललिता केंद्र सरकार से तत्काल 2,000 करोड़ रुपया के राहत के मांग कयने अछि। केंद्र अखन धरि राज्य सरकार के 940 करोड़ रुपया सहयोग स्वरूप दऽ देने अछि। ट्यूनिशिया के राजधानी ट्यूनिस में एक बस में विस्फोट भेला के बाद 30 दिन धरि के लिए आपातकाल लगाव के घोषणा कैल गेल। राष्ट्रपति बेजी एसएफसी राजधानी में सेहो कर्फ्यू लगाव के आदेश देने बताओल गेल। ट्यूनिशिया गृह मंत्रालय के अनुसार ओ आक्रमण में कम से कम 12 गोटे के मृत्यु भेल त 16 गोटे घायल भेल। बस में भेल बम विस्फोट में अखन धरि कोनो संगठन जिम्मेवारी नहीं लेने अछि। ट्यूनिशिया के सरकार अनुसार बस में राष्ट्रपति के गार्ड सवार रहल छल। ट्यूनिशिया इस्लामिक स्टेट के निशाना पर रहित आयल अछि। एहि साल के जून में सुस में बंदूकधारी द्वारा आक्रमण भेल छल जाहि में 38 गोटे के मृत्यु भेल छल। अंत में हेडलाइंस फेर से मधेसी दल से मंगने जका प्रदेशक सीमांकन के फेरबदल नहीं हाथ प्रधानमंत्री ओली के कहब। अपन जवान से गोली चलल एसएसबी के इंचार्ज कैलक स्वीकार। नेपाली भूमि में प्रवेश कर गोली नहीं चलने भारतीय दूतावासक खंडन। नेपाल में पेश का दादागिरी नहीं दिखाव भारत सरकार के नेपाल दिलक चेतावनी। भारतीय नाकाबंदी के विरोध में पैप्सन एंड पैप्सन स्कूली विद्यार्थी सबके सड़क पर उतारत। आ नाकाबंदी के विरोध में काठमांडू में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के पुतला जराल गेल। भारतीय राजदूत के नेपाल छोड़ दिलक चेतावनी। अपन ही सखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।